हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि CUET LLB यानी BHU का जो LLB होने वाला था वो CUET से डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी आपको BHU के वेबसाइट से मिलेगी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियरली समझाया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो 250 पेज का है, तो इतना ईजी नहीं होगा आपको ढूंढने के लिए। तो एक एक करके कितनी फी लगेगी, क्या स्ट्रक्चर होगा एग्जाम का, कैसे एग्जाम होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिसको मैं इत्मीनान से आपको बताऊंगा। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक पेन और पेपर ले करके बैठे, मैं 2-3 सेकेंड आपको टाइम दे रहा हूँ इस वीडियो में। पहले तो ये जान लो कि ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है? इसमें सारी चीजें दी गई हैं, बट ये डॉक्यूमेंट 266 पेज का है। आप सबसे पहले जाओगे, 42 यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया होगा, ये आप देख लेना। आप जिसमें भी LLB का एग्जाम देना चाहते हो, इसमें लिस्ट में है कि नहीं है। अगर इसमें नहीं होगा, कुछ लिस्ट कुछ फोटो यहाँ दी गई है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और कुछ फोटो आपको सीधे नीचे चले जाओगे आप तो यहाँ दी गई है। फोटो मतलब यूनिवर्सिटी का वो नाम दिया हुआ है, ठीक है, फोटो के साथ, राइट? तो हम अब बढ़ते हैं, हमने अपना यूनिवर्सिटी भी देख लिया, एक एक चीज बारीकी से समझेंगे। ये NTA ने रिलीज किया है, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। उसके बाद इंडेक्स मिल जाएगा आपको, सबके बारे में इंफॉर्मेशन का एक लिस्ट मिल जाएगा, ये आपके काम आएगा, देख सकते हो आप। इसको हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है, आप LLB का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या फिर कमेंट करो तो आपके फर्स्ट कमेंट जो भी बच्चा करेगा उसको लिंक दे देंगे, आप जुड़ सकते हो डायरेक्ट कमेंट से। देखिए कब से कब तक फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इन सब चीजों को आप समझते चलिए। फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 19 मई से 18 जून के बीच में, मतलब 19 मई को आप फॉर्म भरोगे, 19 जून तक भर सकते हो, 19 मई से 19 जून। 19 जून पेमेंट का भी आखिरी दिन है, 18 जून फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, ये दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना। पेमेंट आप कर सकते हो लेट तक, लेकिन 18 जून तक फॉर्म भर देना 5 बजे के पहले, ठीक है? क्योंकि सर्वर 5 बजे के बाद लोड नहीं लेगा। और लास्ट टाइम का वेट मत करना माई डियर। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बट इजी प्रोसेस है एमए वाले बच्चों के लिए। पैसे कितने लगेंगे, मान लो आपने सिर्फ LLB का भरा तो आपको 800 देना पड़ेगा, ठीक है? जनरल में है तो, अगर OBC EWS में है तो 600, SC ST थर्ड जेंडर है 550, PWD है तो 500 रुपये, ठीक है? ये जो लिस्ट है ये है। अगर मान लो आपने क्या किया, PG में LLB भी भर दिया और आपने भर दिया एक और सब्जेक्ट भर दिया MA का कोई, तो आपको 200-200 रुपये बढ़ते जाएंगे। जितने सब्जेक्ट आप ऐड करोगे एडिशनल फी आपका इतना लगेगा, 200 200 प्लस 200। अगर आप OBC हैं या जनरल के अलावे कोई भी हैं तो 150-150 बढ़ेगा, लेकिन अगर आप जनरल में हैं तो 200 प्लस 200 प्लस 200, OBC वगैरह में हैं तो कितना हो जाएगा, 150-150। तो फी स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फॉर्म कब से कब तक भरना ये आपने देख लिया। काइंडली लाइक दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये आप जैसे बच्चों को काफ़ी यूज में आएगा और काफ़ी हेल्प भी उनका मिलेगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे वेल ये वाला स्क्रीन और डेट आप याद कर लो, एक जगह कॉपी में नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है? इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने यहां स्टॉप कर दिया। 20 जून से 22 जून को आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ये भी अनाउंस किया जाएगा, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको मिलेगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स होगा, 120 मिनट के आपके एग्जाम होंगे, 2 शिफ्ट में होंगे। मान लो आपने एक शिफ्ट में LLB दिया, अगर दूसरा ही फरा तो हो सकता है दूसरे शिफ्ट में आपका दूसरा पड़ जाए, एक शिफ्ट में एक ही एग्जाम आपको देना है। जितने ज़्यादा फॉर्म भरोगे उतने शिफ्ट आपके आते जाएंगे, ठीक है? और आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। वेबसाइट कौन सा है, CUET.NTA.AC.IN, और जो मेन वेबसाइट है ये है NTA.AC.IN। इस दोनों पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा आप ऊपर वाले पे ज़्यादा क्लिक करके फॉर्म भरने की कोशिश करो, ठीक है? ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, ये सब चीजें जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं वो दिए गए हैं। आपको पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, ये सब आपको भूलना नहीं है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, सिग्नेचर एंड आपका फोटोग्राफ, 80% फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क, ठीक है? और इसके बाद
आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बाद फॉर्म का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इसको हम लोग अगले वीडियो में अलग वीडियो में देखेंगे, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, फोटो का साइज ये सब इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, फी पेमेंट कर दोगे आप स्टेप वन एंड टू के बाद, तो आपका स्टेप थ्री भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। फॉर्म डाउनलोड करके रख लीजिएगा। एक चीज इन्होंने बहुत अच्छा बताया है, संदेश ऐप आप डाउनलोड कर लेना। ये सिस्टम जनरेटेड जो मोबाइल डिवाइसेस पे इंफॉर्मेशन वो देंगे संदेश ऐप पे। ठीक है, संदेश ऐप का फायदा ये होगा कि आपको जो भी यूजीसी का मतलब या फिर एनटीए का, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको वो दे देंगे इस पे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का ये है, समझ रहे हो आप लोग। आपको जो भी होगा वो मिल जाएगा इस पे इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो ये आपको ध्यान रखना है। सर्च फॉर संदेश ऐप इन द सर्च बार, इफ द डिस्प्ले ऑफ द ऐप इन द प्ले स्टोर क्लिक इंस्टॉल, एंड मोबाइल यूजर्स जो हैं वो यहां से संदेश मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट एनटीए वेबसाइट एंड लेटेस्ट। ठीक है, ये आप विजिट आपके ईमेल पे हालांकि वो भेज देंगे। अब आते हैं मेन मुद्दा वाली बातों पे। देखो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, सब में रहता है, आपको जो मेन काम किसका है वो यहाँ समझना है। एक यहाँ पे लिस्ट दी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इजी वे में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पैटर्न दिया हुआ है एक, ठीक है, फिर पैटर्न दिया हुआ है दो, इसमें कुछ अलग अलग डिवीजन है और यहाँ पेपर कोड है। अब आपका सब्जेक्ट किस पेपर कोड में आ रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है माय डियर, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे एलएलबी का मैं क्लियरली पहले बता देता हूँ आपको, एलएलबी का पीजीक्यू P40 है, इसको याद रखना P40 है। तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश या हिंदी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग भी इंक्लूड रहेगा, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस। देखो करेंट अफेयर्स और जीके दोनों का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जितने भी जीके जीएस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो रोक करके देख लो, वो आपके काम आने वाला है। कंप्यूटर बेसिक्स भी इस बार पूछेंगे और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछेंगे। मतलब क्या है आपके लिए, 100 क्वेश्चन में इतनी चीजों को तैयारी अगर करनी है तो हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। आपको पता होगा पेड कोर्स की फी हमारी कितनी है, हम आपको बता देते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा फी नहीं है और अभी हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है। देखो अगर आप सिर्फ मैथ रीजनिंग करना चाहते हो तो 499 है, ठीक है, और अगर आप हमारा डिस्काउंटेड प्राइस में ज्वाइन करना चाहते हो मैथ रीजनिंग जीके जीएस करंट अफेयर सब, तो ये 999 एलएलबी स्टूडेंट के लिए है। अगर आप हमें कांटेक्ट करोगे तो 1250 से हम आपको 999 भी कर देंगे, 1250 रियल फी है ऑल डिस्काउंट के बाद। ठीक है, जनरल टेस्ट सारी चीजें इसमें रहेगा। अब देख लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक होगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका मेन सिलेबस हो गया, सिलेबस भी आपने देख लिया, थोड़ा और डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हमें ढूंढना है उसके बाद स्लॉट में, यहाँ पे पेज नंबर आप नोट कर लो, पेज नंबर है 17। ठीक है माय डियर, देखो यहाँ पेज नंबर 17 में यहाँ दिया हुआ है एलएलबी का, है ना, 6 ग्रुप यहाँ भी है, जनरल कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर बेसिक, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ कि यहाँ ये तो यार थोड़ा सा चेंज हो गया, उधर तो इतना नहीं दिया था, अब जनरल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग, तो ये सब तो आपको कंफ्यूज करने वाली बातें हो गई। लेकिन ये इंक्लूडेड है, वहाँ थोड़ा शॉर्ट में दिया है सिलेबस। ठीक है, जीके आप पढ़ना है आपको जीके, फिर यहाँ जनरल अवेयरनेस उन्होंने छोड़ दिया, तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना। आपका जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस आज भी रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लस आपको लीगल मैगजीम, लीगल एप्टीट्यूड अभी इसमें नहीं दे रहा है लेकिन वो देगा, पूछेगा आपसे लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि देखो पहले जो सिलेबस उन्होंने दिया है बाद में वो एडिट कर दे रहा है, कई बार ऐसा हो रहा है कि सिलेबस को एडिट कर दे रहा है। ठीक है माय डियर, तो आप पहले से तैयार रहो यार, क्योंकि देखो सिस्टम है, आप अकेले सिस्टम से भिड़ नहीं सकते हो जब तक सिस्टम का पार्ट ना बन जाओ। तो आप ये चीज के लिए तैयार रहो कि हाँ हमसे सिलेबस का छेड़छाड़ करेगा तब भी मैं तैयार हूँ। जितने भी एलएलबी के प्लेलिस्ट हैं आपको सिलेबस में यहाँ क्लियरली दिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको कौन से पेज पे जाना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी लिस्ट, बहुत चीजें हैं, देखो ये डॉक्यूमेंट यार बहुत बड़ा है, आपको इतना इजीली नहीं समझ आएगा, तो मेरे जो सुझाव हैं वो आपको इजी में समझाने वाले हैं, मतलब कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा। आपको जाना है पेज नंबर 186 कॉलम नंबर 894। ठीक है, ठीक समझ रहे हैं आप, 186 पे हम लोग आ गए हैं लगभग। देखिए ये पीला वाला है, पहले तो जो बच्चे जैसे एमलिप के बच्चे जो परेशान है
उनके लिए भी बनाऊंगा, सबके लिए बनाऊंगा यार, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एक एक करके ना बनाऊंगा यार, क्या कितना परेशान होऊंगा आप ही बताओ। फिर जाना है पेज नंबर 186 आ गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और LLB 894 कॉलम नंबर है, PGQ P14 है। देखो सब चीज मिल रहा है आपको, LLB मिल गया, पैटर्न 3 हमने ऊपर ही पैटर्न 3 का सिलेबस दिखाया था आपको, ये भी आपको क्या हो जाएगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल एबिलिटी, अवेयरनेस, कंप्यूटर। एंड देखो अब यहाँ जनरल एबिलिटी दे दिया है, ठीक है, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस दे दिया और GK छोड़ दिया, अब बताओ आप क्या मानोगे इसको। तो जो दिया है ना, अब इसमें कुछ छोड़ दिया कुछ उसमें दिया है, तो इसी डॉक्यूमेंट में दिया ना, तो GK और जनरल अवेयरनेस दोनों होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग सब होगा। तो जो भी आपका सिलेबस पहले था वही है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। अब इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए तभी आप भर पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 10+2+3 मतलब आप ग्रेजुएशन कर लिए हो और आपको 50% नंबर चाहिए तभी आप भर सकते हो, ठीक है, किसी में भी, ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ के बाद जो ग्रेजुएशन है तभी भर पाओगे। पैटर्न समझ लिया, एलिजिबिलिटी समझ लिया, एलिजिबिलिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है माय डियर। एलिजिबिलिटी जो है ये जरूरी है, 50% नंबर आपको BA, BSc, BCom जो भी चाहिए, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं ये मिटा देता हूँ। सिलेबस देख लिया, एलिजिबिलिटी देख लिया, फी कितने लगेंगे ये देख लिया, अब जो इसमें कितने बच्चों का एडमिशन होगा उसकी लिस्ट भी है, चूंकि वेब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, जो पिछली बार पिछली वीडियो में हमने आपको बताई थी। सब चीज क्लियर हो गया है और इसमें कुछ और भी चीजें हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम कैन नॉट डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टडीज आर नॉट एलिजिबल इन लॉ कोर्सेज। तो थोड़ा आप देख लेना, जो आपके पास अगर ओपन यूनिवर्सिटी का स्पेशलाइज कुछ नहीं है तो आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। ओपन में भी कई कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका सिंपल मतलब होता है, तो उससे नहीं होगा, आपको ये ध्यान देना है। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, मैं धीरे धीरे सब कुछ बना रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा हमारा MSW MLib और जैसे यहाँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है, तो ये सब चीजें मैं आपको लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपको, MSW MLib या जो भी होंगे सब्जेक्ट उनका भी वीडियो हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे, आज दिन भर यही होगा, ठीक है माय डियर। फिर क्लासेस कल से हमारी रन करेंगी, कोई भी क्वेरी हो इसके अलावे, कोई भी क्वेरी हो आप हमको बताइए, हम उस पर आपको तुरंत 10 मिनट में कमेंट का आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच।